17 नवंबर को मतदान के पहले कल यानी 16 नवंबर को इंदौर के सभी 2561 मतदान केंद्रों के लिए सामग्री वितरित की जानी, जिसके बाद सामग्रियों को उनके केंद्रों तक पहुंचाने का काम और फिर सभी कर्मचारियों को भी केंद्रों तक पहुंचाया जाएगा, जिसके लिए इंदौर के नेहरू स्टेडियम में 707 बस, बड़ी संख्या में कार, ट्रक सहित अन्य परिवहन के आने जाने का सिलसिला शुरू हो चुका है। चुनाव की तैयारियों का जायजा लें हमारे संवाददाता निहारिका ने। 17 नवंबर को विधानसभा चुनाव होने हैं मध्य प्रदेश में, और जिसे लेकर अब तैयारियां अपने आखिरी रूपरेखा पर पहुंच चुकी है। इस वक्त हम इंदौर के नेहरू स्टेडियम के पास ही स्थित CCI में मौजूद है, जहां पर हम देख सकते हैं कि कितनी बड़ी संख्या में बसेज यहां पर पहुंच चुकी है। दरअसल 16 नवंबर यानी कि कल इंदौर के सभी बूथों पर सारी सामग्रियाँ जो है उसको वितरित करना है, और सारी सामग्रियों को समय पर सभी 2561 बूथों पर पहुँचाना है, जिसको लेकर ये सारी बसेस का उपयोग किया जाएगा। आपको बता दूँ 707 बसेज है पूरे इंदौर स्कूल्स की, जिनका उपयोग कल किया जाएगा। इसमें कॉलेज की बसेस सहित दूसरी सरकारी स्कूल की बस और अन्य प्राइवेट स्कूल की बसेस सभी इसमें इंक्लूडेड है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो 412 कारें, 20 ट्रक और 20 मैजिक वैन्स का भी उपयोग किया जाएगा। आपको बता दूं कि 2561 बूथ जो है वो केवल इंदौर के हैं, जिसको लेकर तैयारियां यहां पर पूरी की जा रही है, और कल पर जो बसेस है वो यहां पर पहुंच चुकी है। देर रात तक सारी बसेस का यहां पर आने का सिलसिला जारी रहा, जिसके बाद आज यहां पर सभी को लाइन से लगा दिया गया है। किसे कहां जाना है वो भी उसके ऊपर लिखा हुआ है। अगर हम देखें तो हर बस के ऊपर उसका क्रमांक लिखा हुआ है और उसकी जगह लिखी हुई है, तो इससे साफ निर्धारित किया जाता है कि बस को कब, कहां और कैसे जाना है। कल सुबह 6 बजे से यहां पर सामग्री वितरण का कार्य जो है वो शुरू किया जाएगा, जिसके बाद सभी बसेस के माध्यम से सभी बूथ अध्यक्ष के साथ अन्य कर्मचारी बसेस में लोड होकर वहां पहुंचेंगे, जिसके बाद वहां पर सभी व्यवस्थाएं जो है वो कल ही पूरी तरह से निश्चित की जाएगी, ताकि परसों चुनाव के समय किसी भी तरह की परेशानी ना हो। 707 बसेस में ये सारे काम किए जाने हैं, जिसके चलते हो सकता है आज और कल बच्चों को थोड़ी परेशानी भी हो, साथ ही में 18 नवंबर को भी कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन ऐसे में ये निश्चित किया जा रहा है कि दिवाली की जो छुट्टियां हैं उसमें और थोड़ी बढ़ोतरी की जाए, ताकि बच्चों को भी परेशानी ना हो, साथ ही में किसी की भी पढ़ाई का नुकसान ना हो। कैमरा पर्सन संतोष जटवन के साथ मैं निहारिका शर्मा, IBC 24 इंदौर।